नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरु जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने स्टार्ट किया था मॉडल नंबर 16, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन किए। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए, संख्या है 3.5 × 0.01, इसे हमें गुणा करना है। तो देखो, इसमें एक अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 10, और इसमें दो अंक छोड़ करके पॉइंट है तो जो 20 लगा देंगे। अब 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 ही आएगा। अब देखो कितने, 1, 2, 3, 3 0, तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है, तो 1, 2 और ये 3, तो आंसर हो जाएगा 0.035। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, अंक दिए हुए हैं 4, 3, 1 और 9। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बनानी है इनसे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक हो जाएगा इसमें 1, फिर इससे बड़ा 3, फिर इससे बड़ा 4 और फिर सबसे बड़ा 9। तो ये हो जाएगा 1349। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 व 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो, छोटी से छोटी संख्या बतानी है और छोटी से छोटी संख्या बतानी है। देखो, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका हमें क्या निकालना होगा, लेसन निकालेंगे। तो 10 और 15 इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसन निकालेंगे। तो पहले लगाएगा 5 का भाग, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो अब आगे भाग नहीं जाएगा तो गुणा कर लेते हैं, 5 × 2 × 3, 5 × 2 = 10, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30। ये तो हो गया इसका लेस है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो ऐसी संख्या हो जाएगी, जब भी शेष की बात करें और लेस की याद करें तो दी गई संख्या में या जो लेस हमें प्राप्त हो रहा है उसमें हम शेष बच रहा है उसे जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्गाकार खेत का हमें क्षेत्रफल दे रखा है। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा। तो देखो, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 225, तो इससे हम भुजा ज्ञात कर लेंगे, भुजा, या इसे हम भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं, भुजा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का निशान इस तरफ से हटाएंगे तो इधर ये रूट का निशान लग जाएगा, तो अब हो जाएगा ये भुजा। तो ये किसका रूट होता है, 15 का, 15 × 15, 2 2 के जोड़े बनते हैं और जोड़े में से एक बाहर ले लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 15। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 15 मीटर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2/3 + x = 6/3। तो इसमें हमें अक्ष का मान बताना है। तो देखो, x = 6/3, देखो बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस का है और दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -2/3, देखो हर समान है दोनों का, हर समान है तो लेस है 3, और ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटा देंगे तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 4/3, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे
पुल को कितने मिनट में पार करेगी? देखो चाल दे रखी है हमें, चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखो दूरी है, देखो 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को कितने मिनट में पार करेगी? देखो जब भी हमें किसी पुल को पार करने की बात करें, किसी पुल को पार करने की बात करें और रेलगाड़ी की लंबाई भी हमें दे रखी हो, तो कुल दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ करते हैं, दोनों लेते हैं, दोनों का ऐड करते हैं, तो देखो 400 मीटर लंबा तो है, लंबी तो है रेलगाड़ी और 600 मीटर लंबा है पुल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1000 मीटर, और 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कितने मिनट में पार करेगी, यानी कि समय ज्ञात करना है, और समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी है हमारे पास में 1 किलोमीटर, बटा चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह आ जाएगा 1/60 घंटा। देखो कितने मिनट में पार करेगी, देखो समय किसमें बताना है? मिनट में बताना है, समय किसमें बताना है? मिनट में बताना है। देखो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में है 1/60 घंटा, तो इसको हम 60 से गुणा करेंगे तो 60 से 60 कैंसिल, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 1 मिनट, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15 और 25 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 15 और 25 के बीच में सभी सम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, तो 15 और 25 के बीच में, तो देखो और सम संख्या बतानी है, तो 15 के बाद में 16, फिर 18, सम संख्या कौन सी होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, 18, फिर हो जाएगी 20, 22 और 24, 25 में जाएगा नहीं, जो 3 से पूर्णतया विभाजित हो उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो 3 से विभाजित, तो 3 से भाजकता नियम क्या था, दिए गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाजित होगी, तो देखो 1 तो जाएगी 18 और 1 हो जाएगा 24। अब इनका क्या बताना है, हमें योग बताना है, तो 24 और 18 को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 42, तो ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 100 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो देखो 9 से भाजकता का नियम क्या था, दिए गए अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, तो देखो पहले इनके अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का इनका योग कितना आएगा, 1 आ रहा है। अब देखो 1 में हम कम से कम क्या जोड़े कि उसमें 9 का भाग चला जाए, तो 1 में हम यदि 8 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, 9, और 9 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो इसमें हम कम से कम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या छांटनी है हमें। देखो 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, देखो 3 से भाजकता का नियम क्या था, दिए गए संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो देखो पहले ऑप्शन ए देखते हैं, तो ऑप्शन ए में पहले अंकों का योग करते हैं, 1 + 2 + 5
पांच और दो सात, सात एक आठ, क्या आठ का, आठ में तीन का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें एक प्लस फिर जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एक फिर एक, तो ये हो जाएगा तीन। तो देखो तीन में तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पे करके देख लेते हैं, चार प्लस दो प्लस दो प्लस तीन, चार और दो छह, छह दो आठ, आठ तीन ग्यारह, क्या ग्यारह में तीन का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगला पांच प्लस पांच प्लस एक, पांच पांच दस, दस एक ग्यारह, क्या ग्यारह में तीन का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक खाली डिब्बे का भार दिया हुआ है 50 ग्राम, ये 500 ग्राम, तो डिब्बे में 4 किलोग्राम 500 ग्राम घी भर देने पर कुल कितना भार हो जाएगा? देखो कुल भार हमें बताना है, कुल भार बताना है, तो खाली डिब्बे का भार तो कितना है? 500 ग्राम, और उसमें घी कितना भर रहे हैं? 4 किलोग्राम पॉइंट 500 ग्राम। तो देखो ये हो गया 4.5 किलो, ये हो गया आधा किलो, तो ये टोटल हो जाएगा 500 किलोग्राम। ठीक है, ये तो पता ही, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी धन के 1/5 भाग का मान दे रखा है हमें, तो धन के 4/5 भाग का मान बताना है, तो किसी धन का, तो माना धन अक्स रुपए हैं, तो अक्स का 1/5 भाग का मान कितना है? 100 रुपए, तो अक्स का हो जाएगा, ये देखो भाग में है, बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा 500 रुपए। और हमें किसका मान बताना है? 4/5 भाग का मान, तो 500 का 4/5 भाग हमें बताना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 0, और 4 से गुणा करेंगे तो 400 रुपए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 पुस्तकों का मूल्य दे रखा है हमें 30 रुपए, तो 45 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जाएंगी? देखो 30 रुपए में कितनी पुस्तकें आई? 30 रुपए में आई 10 पुस्तकें, 1 रुपए में कितनी आएंगी? 10/30, और 45 रुपए में कितनी आएगी? कम का देकर ज्यादा का पूछेंगे तो क्या करते हैं? गुणा, तो ये हो जाएगा 10/30 गुणा 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 15 3 45, तो 15 पुस्तकें आएंगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।